रोहतक गेट पर चोरों ने एक मोबाइल की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात की है। आपको बता दें कि रोहतक गेट पर पुलिस बूथ होने के बाद भी रात को पुलिस की नाक के नीचे से चोर चोरी कर वारदात को अंजाम दे गए। पुलिस प्रशासन द्वारा रात्रि को गश्त करने के बाद भी चोरों ने मेन रोड पर मोबाइल की दुकान का शटर तोड़कर लाखों का सामान चोरी किया। जांच अधिकारी उमेद सिंह ने बताया कि रोहतक गेट पर मोबाइल की दुकान पर चोरी हुई है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दुकान मालिक के अनुसार लगभग 5 लाख रुपए के मोबाइल व 20,000 रुपए की नकदी चोरी की गई है। वो डिलीट भी हो चुका है। क्या कार्रवाई अमल में लाई? रोहतक चौक पे मोबाइल फोन की दुकान पर शटर फाड़ के चोरी हुई है। वो जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज वगैरह की क्लास देख रहे हैं। जैसी भी सूरत होगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो सर मालिक के अनुसार कितना नुकसान हुआ? मालिक के अनुसार करीब 5 लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन है ना वो चोरी हुई बता रहे हैं। तो कोई नकदी वगैरह? हाँ कुछ नकदी बता रहे हैं, 20,000 रुपये करीब। तो सर पुलिस ने क्या कार्रवाई? पुलिस ने दरखास्त लेके पर्चा दर्ज कर लिया है और आगे जैसी भी सूरत होगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपने फिंगर प्रिंट से एक्सपर्ट को बुलाया है तो फिंगर प्रिंट से एक्सपर्ट भी उनको देख रहे हैं, ठीक है, और सीसीटीवी फुटेज वगैरह को भी चेक कर रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।